हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में एक न्यू रेसिपी बनाने वाली हूँ। इस रेसिपी को देखने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले 4 अंडे ले लेना है, उसको ऐसे मिक्स कर लेना है। अंडे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो अच्छे से इसको फेंट लेना है। आप इसको मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद एक ऐसी पॉलीथीन लेना है। उसके बाद ये जो हमने अंडे को मिक्स किया है इसके अंदर डाल देना है। अंडे डालने के बाद या तो इसको किसी रबड़ से या धागे से ऐसे बांध देना है। तो यहाँ पे हमारे पास रबड़ है, इसको ऐसे बांध देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बांध के इसको रेडी कर लिया है। अब चलेंगे अपने कढ़ाई के पास। आप कढ़ाई की जगह पतीला भी ले सकते हैं। तो कढ़ाई में हमने रख दिया था पानी उबलने के लिए। आपको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। जब तक उधर आप अंडे फेंट के रखेंगे तब तक इधर पानी रख देना है गर्म होने के लिए। तो गर्म पानी में पॉलीथीन को रख देना है बॉयल होने के लिए। इसको ढक्कन से कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए कैसा बॉयल हो रहा है, अंडा बॉयल हो चुका है। 5 मिनट में अंडे बॉयल हो जाते हैं। तो ये बॉयल हो चुका है। अब इसको बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा कर लेंगे। अगर आपको इसको जल्दी बनाना है तो पानी में डाल के भी ठंडा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। अब इसको पॉलीथीन में से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमने पॉलीथीन में से बाहर निकाल लिया है। अब इसको स्क्वायर जैसे पीसेस कट कर लेना है। जैसे पनीर के क्यूब्स रहते हैं वैसे ही इसको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने उसी कढ़ाई में तेल डाल लिया है। इसमें डाल देना है थोड़ा सा जीरा। उसके बाद बारीक एक प्याज कट करके डाल देना है और हरी मिर्च और लहसुन डाल देना है और बारीक कट किया हुआ अदरक डाल देना है। अब इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ऐसे चला के इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 2 से 3 मिनट लगते हैं गोल्डन ब्राउन होने में। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसमें 1/2 टेबल स्पून से कम हल्दी डाल देना है और 1/2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला डाल देना है। अब इसमें डाल देना है बारीक कट किया हुआ टमाटर। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको चला के मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए भूनना है। इसको जब तक भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसमें टमाटर सॉफ्ट होने के लिए नमक डाल देना है 1/2 टेबल स्पून। नमक आप एक बार भी डाल सकते हैं या 2 बार भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक एक ही बार डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून। अब इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भुनना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं टमाटर को सॉफ्ट होने में। साथ साथ मसाले भी देखिए भून चुके हैं, तेल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। आप इसमें ग्रेवी अपने फैमिली के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए उबाल इसमें आने लगा है। उबाल आने के बाद 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। 1 से 2 मिनट ये पक चुके हैं। अब इसमें जो हमने कटिंग की थी अंडे की वो डाल देना है। इसको डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट और पका लेना है। बहुत अच्छी इसकी सब्जी बन के तैयार होती है। आप एक बार ऐसी सब्जी बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है। किसने किसने ऐसी सब्जी बना के खाई है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये सब्जी पक के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे गैस को बंद कर देना है। तो सब्जी बन के तैयार है, बिल्कुल ये पनीर वाली सब्जी की तरह लगती है खाने में। आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें और नीलम रसोई को कमेंट करके बताएं कि ये अंडे वाली सब्जी कैसी बनी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।